आज हम मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी में और आप देख रहे हैं मैं पैदल चल रही हूँ, मैं चली ही जा रही हूँ, मैं रुकने का नाम ले रही हूँ। मैं 15 मिनट से चल रही हूँ क्योंकि मैं स्लो चल रही हूँ क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा है और यहाँ पर आवाम भी नहीं है कोविड की वजह से। लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन है, टीचर ने बोला भाई हम ऑनलाइन ही लेंगे, आप यूनिवर्सिटी आएँ फिर ही हम लेंगे। तो हमने कहा ठीक चलते हैं। फिर अभी बिल्कुल भी जो है ना समझ में नहीं आ रहा कि कब मैं जो हूँ डिपार्टमेंट में पहुँचूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद जो है यूनिवर्सिटी के लिए मैं आई हूँ, तकरीबन कुछ 8 महीने बाद, 6-7 महीने बाद। और यहाँ पर कोई ना बंदा है ना बंदी की ज़्यादा है, एक आध कोई मोटरसाइकिल और रेंजर्स वाले नज़र आ रहे हैं और मुझे लग रहा है सिर्फ आज हमारी क्लास ही आई। देख रहे हैं ये कराची यूनिवर्सिटी का मेन रोड है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, बस बाइक वाले एक आध नज़र आ रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से यहाँ के जो है रिहायशी हैं। देख रहे होंगे आप लोग ये कोविड में ये जो है कराची यूनिवर्सिटी की ये हालत हुई है, सारे गार्डन उजड़ गया है, क्लासेस सुनसान है। ये IR पे मैं खड़ी हुई हूँ, IR है ये सिंधी डिपार्टमेंट है और यहाँ पर आगे जाके सोशल साइंस के सारे डिपार्टमेंट आएंगे, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, सोशल वर्क। मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा शशका मारती हूँ, चलें मैं हम चलते हैं अभी लॉबी। ये भी एक गार्डन है और सामने जो है वॉल ऑफ एजुकेशन है, जिनको जो बच्चों को बुक्स डोनेट करनी होती हैं, किताबें देनी होती हैं उन बच्चों के लिए जिनके पास नहीं होती या जिनके पास एक्स्ट्रा होती है या जो पढ़ चुके होते हैं वो यहाँ पर रख देते हैं और दूसरा बच्चा आके उसको यूज़ करता है और उससे फ़ायदा उठाता है। ये अच्छी चीज़ है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये काम किया है और रैक लगाया है और हम जा रहे हैं लॉबी। हाँ जी, तो ये आप सामने डॉग देख रहे होंगे, बाकी लॉबी में कोई था नहीं और ये सामने एक अंकल जा रहे हैं और एक स्टूडेंट बैठी है। ये है गर्ल्स कॉमन रूम और ये देखें आप बिल्कुल खाली है और यहाँ पर आप नॉर्मल डेज़ में बैठने की जगह तक नहीं होती, ज़मीन पर और बेंचेस पर हर जगह स्टूडेंट होता है, मतलब लड़कियाँ होती हैं। और अब हम जा रहे हैं, ये शोभा नफ्सियात है और इसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के बराबर में डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जी। और ये है एडमिन ब्लॉक, इसकी हालत भी आप देख रहे होंगे, बेचारा सुनसान पड़ा हुआ है, पूरे साल यहाँ पर स्टूडेंट रहता है अपने एडमिट कार्ड के लिए, अपनी मार्कशीट के लिए, अपनी इनरोलमेंट के लिए। और देख रहे हैं हम यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, ये एडमिन ब्लॉक ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो हमें यहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आया और इसके पीछे बिल्कुल जो है PG कैंटीन है, यानी कि प्रेम कली है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके पीछे डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस है और इसके आगे वाली जो उसमें है वो है विमेन स्टडी। और आई लव नेचर, मुझे जहाँ भी पौधे नज़र आते हैं ना मैं उनको ना छेड़ती हुई जाती हूँ। हाँ जी, तो ये मैं और मेरी दोस्त हैं। बाई द वे यूनिवर्सिटी को इतना सुनसान देखा बड़ा ही अफसोस हुआ, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, शायद टीचर ने सिर्फ हमें ही बुलाया था। अपना और अपने प्यारों को बहुत ख्याल रखें, लाफ़ेज़।